नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज मार्च के एंड की तरफ हम बैठे हुए हैं, आपको कुछ बिजनेस और अकाउंट से रिलेटेड टिप्स देना चाहता हूं, जो हमारे इस क्लोजर से पहले हमको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, मैं ये जो भी चीज़ बताने वाला हूँ ये बहुत प्रैक्टिकेबल है, प्रैक्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, आपके बिजनेस का स्टॉक जो है वो स्टॉक एक्चुअल चढ़ा हुआ है कि नहीं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये ज़रूर देखिए। दूसरी चीज़, स्टॉक का वैल्यू भी प्रॉपर है कि नहीं ये भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको स्टॉक को गलत वैल्यू पे चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक का वेरिफिकेशन ही नहीं करते हैं, स्टॉक अपने हिसाब से डालते रहते हैं, तो स्टॉक को रियल टाइम आपके टैली पर या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस पर चढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिएगा कि कोई भी स्टॉक नेगेटिव नहीं जा रहा हो, इसका मतलब जितना यूनिट हमने स्टॉक का ख़रीदा उतना ही हमने बेचा। वैसे तो आपने जितना ख़रीदा होगा उससे ज़्यादा बेच नहीं सकते, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर गलत स्टॉक के आईडी में एंट्री हो गई तो उसमें ज़्यादा दिखने लगता है, कई बार दूसरे में कम दिखने लगता है। तो ऐसा कुछ गड़बड़ी है तो आज सुधार लीजिएगा। आपका सेल और परचेज को मैच कर लीजिएगा क्वांटिटी वाइज और अमाउंट वाइज, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट का फिगर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स पटा दिए हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पे किए हैं तो फिर इस बात पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना होने वाला है, डिफरेंस का जो भी टैक्स होता है वो टैक्स ज़रूर पटा दीजिए, क्योंकि टैक्स पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्याज बहुत ज़्यादा लेता है, उतना हम लोग बैंक में नहीं कमा सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान पर रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी एक से ज़्यादा यूनिट है बिज़नेस के, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो इसमें क्या होता है, एक का पेमेंट करने के लिए हमने दूसरे का चेक फाड़ दिया, ऐसे क्रॉस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो आप इस क्रॉस ट्रांजैक्शंस को ख़त्म करने के लिए अगर पॉसिबल है तो, अगर किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दीजिए, आपस के ट्रांजैक्शंस को ज़ीरो करने का कोशिश करिए, ताकि रिलेटेड पार्टी का जो एंट्रीज हैं वो ख़त्म हो। आपने अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी लिया या दिया है तो ध्यान रखिएगा, कैश वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। 269 सेक्शन ज़रूर देखिएगा, 269 SS, 269 T, 269 ST, ये सारे सेक्शंस को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर अपन ने लोन्स डिपॉजिट्स के एंट्रीज़ में कुछ भी ऐसा गड़बड़ी नहीं किया हो जिसमें इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाइंस होता होगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिलेटेड कोई कंप्लायंस पेंडिंग तो नहीं है, ROC में बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग रही है कुछ भी डिले हो रहा है तो, इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि खर्चे जो भी हैं वो एक्सपेंसेस को साल भर का एक बार बैठकर एनालाइज कर लीजिए कि वो सारे एक्सपेंसेस जो हमको पेमेंट करने थे वो अपन ने पेमेंट किए कि नहीं किए, अगर पेमेंट नहीं किए तो उसकी प्रोविज़न प्रॉपर है कि नहीं। बिलिंग्स चेक करा लीजिए अपने इंटरनल ऑडिटर या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी मेंटेन करते हैं उनसे। साल ख़त्म होने से पहले अगर कुछ प्लान करना चाहेंगे तो अब हो जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, अगर आपने इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत आपको लगती है तो वो इंश्योरेंस आपको लेना है तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि उसकी छूट मिल जाने वाली है। और कोई अगर आपने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि बिज़नेस के की मैन होते हैं, मेन पर्सन होते हैं, उनसे संबंधित कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको लेना है तो वो भी ले सकते हैं, उसकी भी छूट आपको मिल जाएगी। तो ये जो जो चीज़ें मैंने बताई इसको ज़रूर देखिए, एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लीजिए और खुद स्ट्रांग हो जाइए कि कल दिन कोई भी अगर आपके पास आता है कि भैया बताओ आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है क्या नहीं है, तो हमको डर ना लगे, हम आराम से उनको दिखा पाएँ। तो दोस्तों, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं। दीपंकर समझदार का मिशन है कि वो भारत में सारे लोगों को अकाउंट, टैक्स, फाइनेंशियल और लॉ से रिलेटेड जानकारी समय पर उचित रूप से देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दीपंकर समझदार।